हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शेयर करेंगे केक बनाने की रेसिपी बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के। बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा, एकदम फूगा फूगा केक बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें केक बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले 250 ग्राम मैदा है फ्रेंड्स, और इसे हम चाल लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने सारे मैदा को अच्छे से चाल लिए हैं, और इसमें जाएगा 4 टीस्पून छोटे चम्मच से कोको पाउडर, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, 2 टीस्पून घी ले रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास अमूल बटर है तो वो यूज़ कर लें। साथ ही साथ जाएगा 3 से 4 टीस्पून दही, 100 ग्राम के लगभग पीसा हुआ चीनी डाल रहे हैं। ये मिक्सर के बल में डाल के आप इजी से पीस सकते हैं। और अब हम दूध डाल देंगे बैटर बनाने के लिए, 1 टीस्पून खाने वाला सोडा डालेंगे। और अब हम सारे को मिला लेंगे और इसका हम एक अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर एकदम हार्ड हो गया है। इसे हम गीला करने के लिए थोड़ा थोड़ा अमूल दूध डालेंगे और इसे हम एकदम अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने धीरे धीरे करके एकदम अच्छा सा बैटर बना लिए हैं, और एकदम परफेक्ट हमारा बैटर बन गया है केक बनाने के लिए। और हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैटर बस ऐसा ही होना चाहिए, तभी हमारा केक एकदम परफेक्ट बनेगा और एकदम स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए हम केक बनाने के लिए केक टिन ले लेंगे, और केक टिन में हम थोड़ा सा अमूल बटर लगा लेंगे। ब्रश की मदद से फ्रेंड्स हम सारे केक टिन में अच्छे से अमूल बटर लगा लेंगे, और साथ ही साथ बटर पेपर भी डाल लेंगे, और इसके ऊपर से भी थोड़ा सा अमूल बटर लगाएंगे। तभी हमारा केक जब निकालने के टाइम होगा तो हमारा केक एकदम इजी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने केक टिन में अमूल बटर अच्छे से लगा लिए हैं, और अब हम डालेंगे बैटर को। बैटर को डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे मिला लेंगे। बाकी के जितने भी बैटर है इसे हम छोटी प्याली में डालेंगे। तो यहाँ पे हम प्याली में भी थोड़ा सा अमूल बटर लगा लेंगे, और इसके ऊपर बटर पेपर डाल लेंगे, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बटर लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने प्याली में अमूल बटर को अच्छे से लगा लिए हैं, और बाकी के जितने भी बैटर है इसमें हम डाल देंगे। और बैटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा हम इसे भी मिला लेंगे। केक बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे एक स्टेन को, और अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कढ़ाई को एकदम गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, और अब हम केक को डाल देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। 40 से 45 मिनट कवर करके सिलो आंच पर पकने देंगे। और अब हम दूसरी तरफ जो प्याली में बैटर को रखे थे वो एक छोटे से पतीले को गर्म कर लिए हैं, और उसमें हम डाल देंगे ढक्कन से कवर करके। दोनों को डाल के और दोनों को हम पकने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने 20 से 25 मिनट के लिए प्याली के बैटर को डाले थे, और अब हम 25 मिनट के बाद देख रहे हैं, एक स्टिक की मदद से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे केक एकदम पक चुके हैं और एकदम फुला फुला केक बना है। तो इसे हम एक स्टेन के मदद से निकाल लेंगे, और एक कोई भी कपड़े से इसे ढक कर के एक साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ, और दूसरे केक को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक स्टिक से इसे भी चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक अच्छे से नहीं पका है, तो इसे हम फिर से 10 से 15 मिनट के लिए सिलो आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। जब तक हमारा केक पक रहा है, दूसरी तरफ हम केक सजाने के लिए केक का बैटर बना लेंगे। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं दूध। दूध उबलने के बाद उसमें हम डाले कस्टर्ड पाउडर। फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिए थे, उसमें हम पानी में डाल करके घोल बना लिए थे, और साथ ही साथ जाएगा 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर,
और सबको हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग कोको पाउडर और इसे भी डाल करके फिर से मिला लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और अब हम डाल लें डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट ज़रूर डालें फ्रेंड्स, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने अमूल डार्क चॉकलेट डाले हैं और सबको डालने के बाद हम इसका एकदम परफेक्ट एक बैटर बना लेंगे। और साथ ही साथ हम 2 से 3 टीस्पून के लगभग चीनी डाल देंगे। और इस टाइम हमारा बैटर एकदम रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट सा बैटर बन गया है। केक को सजाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 व्हाइट चॉकलेट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 2 व्हाइट मिल्की बार का चॉकलेट था और इसी का हम एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर एकदम रेडी हो गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक पॉलीथिन ले रहे हैं, उसके अंदर सारे बैटर को डाल देंगे और नीचे की साइड से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। ऊपर की साइड से हम एक इलास्टिक रबर लगा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी पॉलीथिन है, कोई भी थैली है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं नीचे की साइड से कट करके। और इसी प्याली में हम 2 डेरी मिल्क डालेंगे, 2 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे और इसका हम एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसका बैटर बनाने के लिए 1/2 कप से भी कम दूध डालेंगे और सबको हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये भी बैटर रेडी हो गया है। हमने 3 तरीके का बैटर बनाया है, तीनों बैटर को बना करके रेडी कर लिए हैं। और अब हम एक बटर पेपर लेंगे, अगर आपके पास कोई भी पेपर है, कोई भी कागज़ है तो उसे यूज़ कर लें। हमारे पास बटर पेपर है तो इसे ही हम यूज़ करें और इसका एक हम फोल्ड बनाएंगे और एक इलास्टिक से हम फोल्ड को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्ड को कवर कर लिए हैं और इसके अंदर जितने भी हमारा बैटर है उसे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कितने अच्छे से फोल्ड बनाए हैं और धीरे धीरे करके सारे बैटर को हम फोल्ड के अंदर डाल देंगे। और दूसरी तरफ हम चेक कर लेंगे केक को। तो फ्रेंड्स अब हमारा केक एकदम परफेक्ट बन गया है, एकदम रेडी हो गया है और अंदर से भी बहुत अच्छे से सिक गया है। और इसे हम निकाल लेंगे। दोनों केक को फ्रेंड्स हमने बना लिए हैं और एक प्लेट में हम केक को पलटी कर लेंगे। धीरे धीरे ही पलटी करेंगे, नहीं तो हमारा केक टूट जाएगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर का बटर पेपर अपने आप ही निकल गया, इसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं रही और एकदम सॉफ्ट हमारा केक बना है। और इसे हम एक चाकू के मदद से काट लेंगे, धीरे धीरे ही करके केक को काटेंगे। तो यहाँ पे हमने केक को कट कर लिया है और इसे हम एक साइड में डाल देंगे, ऊपर के फोल्ड को साइड में डाल देंगे। और अब हम थोड़ा सा शुगर सिरप लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 से 3 टीस्पून पीसा हुआ चीनी ले लिए थे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लिए थे। और पूरे में हम इसको अच्छे से फैला करके पानी से थोड़ा सा डुबो देंगे। और अब हम बैटर जो बना करके रखे थे वो डालेंगे। तो पूरे में हमने बैटर को डाल दिए हैं और ऊपर से ऊपर के फोल्ड को डाल देंगे जो कट करके रखे थे। और इसके ऊपर भी हम बैटर को लगाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। और इसी तरह हमारे जितने भी बाकी का बैटर है सबको लगा लेंगे ऊपर भी और साइड साइड की तरफ भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बैटर को लगा लिए हैं और अब हम थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट का बैटर जो बना के रखे थे उससे सजाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने बिना माइक्रोवेव के, बिना ओवन के केक बनाना बताए हैं। और ये केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीके से ये केक बन जाता है।
बच्चे बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ऊपर के साइड भी हम थोड़ा सा सजा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये केक बन करके रेडी हो गया है। और अब हम थोड़ा सा केक सजाने के लिए डेरी मिल्क का हमने जो बैटर बना के रखे थे उससे सजा लेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है केक। तो यहाँ पे हमने केक को सजा लिए हैं और थोड़ा सा हम डाल देंगे बीच के साइड और टूटी फूटी चॉकलेट है, थोड़ा सा हमारे पास जेम्स चॉकलेट थी वो भी डाल देंगे। और इस टाइम हमारा केक एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। दूसरी तरफ हमने जो छोटी प्याली में केक बनाए थे उसे भी हम निकाल लेंगे और इसे भी थोड़ा सा हम सजाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था उसे हम थोड़ा सा ऊपर के साइड लगा लेंगे और 2 से 3 जेम्स चॉकलेट है उससे भी हम ऊपर की साइड सजा लेंगे। तो इस टाइम हमारा दोनों केक एकदम बन करके बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बन गया है। और इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे केक कितना स्पंजी देखने में लग रहा है, ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा हम इस केक को भी कट करके आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा चॉकलेटी केक कितना सॉफ्टी और कितना स्पंजी बना है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।